नमस्कार, सिटी न्यूज के नए सेगमेंट न्यूज ऑपरेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। न्यूज ऑपरेशन एक ऐसा खबरों का सर्जरी ऑपरेशन रूम है जहां पर समाज में होने वाली हर घटनाओं पर बारीक नजर सिटी न्यूज की एडिटोरियल टीम बनाए रखती है। और न्यूज ऑपरेशन थिएटर में हम तमाम खबरों की नब्ज को टटोलते हैं, न्यूज की नब्ज के जरिए जानने की कोशिश करते हैं कि समाज की हर घटना के पीछे आखिर कौन सा ECG बना है और किस तरह से खबरों की पल्स हमारे समाज को प्रभावित कर रही है। समाज की बुराइयों से लेकर तमाम होने वाली घटनाओं दुर्घटनाओं पर सिटी न्यूज की एडिटोरियल टीम की ये नई कोशिश है जिसके जरिए हम सिटी न्यूज ऑपरेशन रूम में तमाम खबरों की सर्जरी करेंगे और न्यूज की नब्ज टटोलने के बाद क्या कुछ है जनता के पक्ष में, क्या कुछ है समाज से सरोकार से जुड़ी बात, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे। सच को बेपर्दा करेंगे और सच के साथ ही सच की आवाज को सशक्त बुलंद बनाएंगे। आज इस एपिसोड में हम बात करते हैं इंदौर की एक ऐसी घटना की जो न केवल घटना मानी जा रही है बल्कि एक हाई एंड ड्रामे के तौर पर इंदौर की सड़कों पर या कहा जाए शहर के हृदय स्थल शहर के बीचों बीच ऐसी घटना का घटना कहीं ना कहीं तमाम तरह के सवाल खड़े करता है। और सवाल भी ऐसे दौर में जब इंदौर राष्ट्रपति डॉक्टर प्रणब मुखर्जी की अगवानी की और तैयारियों में लगा रहता है, ऐसे माहौल के बीच तमाम पुलिस की रिहर्सल्स के बीच वकीलों के बीच एक विवाद हो जाता है जिसके बाद सड़क पर वकालत की दुनिया के तमाम बड़े नाम उतर आते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एक वकील के केबिन में हुई तोड़फोड़ के बाद, एक वकील के दफ्तर में हुई तोड़फोड़ की घटना के बाद जो जिस तरह से घटनाक्रम पैदा हुआ, सड़क पर वकालत की दुनिया के तमाम बड़े लोग उतर आए और काला कोट पहने वकीलों ने हाईकोर्ट यानी कि न्याय के मंदिर के ठीक सामने हंगामा खड़ा करते हुए पूरा शहर एक तरह से बंद कर दिया। ट्रैफिक चकनाचूर हुआ, 4 घंटे तक इंदौर की यातायात व्यवस्था जो है कटघरे में खड़ी रही, यातायात पुलिस के पसीने छूट गए और तमाम वो लोग जो अपने घरों की ओर निकले थे अपने दफ्तर का काम निपटाने के बाद अपने घरों की ओर कूच करने की इच्छा रख रहे थे लेकिन वकालत की दुनिया के बड़े नाम या कहा जाए काला कोट पहने वकीलों ने सड़क पर ऐसा बखेड़ा खड़ा कर रखा था कि उन्हें अपने घर तक जाने और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कई सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तौफीक वारसी के दफ्तर में हुई तोड़फोड़ की जहां पर बिल्डर अरुण अग्रवाल और उसके तमाम समर्थकों ने एक छोटी सी बात पर विवाद खड़ा किया और उस विवाद के बाद जब वकील पुलिस थाने जाते हैं तो महज कागजी कार्रवाई के जरिए कहीं ना कहीं उनकी नाराजगी सामने आ जाती है और बातों ही बातों में सड़क पर उतर आते हैं तमाम वकील और वकीलों की मानव श्रृंखला खड़ी हो जाती है। तमाम वकालत की दुनिया के बड़े नाम भी मौके पर पहुंचते हैं और पूरी घटना को लेकर आक्रोश व्याप्त करते हैं लेकिन इस पूरी घटना के बीच तमाशबीन अगर कोई बनी रहती है तो वो इंदौर की जनता नहीं बल्कि इंदौर की वो पुलिस है जो जन सुरक्षा का नारा बुलंद करती है। पुलिसकर्मी भी कहीं ना कहीं वकालत की दुनिया के बड़े नामों के आगे असहज दिखाई दिए और इस पूरी घटना को काबू करने में कहा जाए पूरी तरह से 4 घंटे बीत गए। 4 घंटों तक वाहनों की लंबी कतारें लगी रही, हाईकोर्ट के ठीक सामने पूरी तरह से वाहनों का एक लंबा काफिला खड़ा हो गया, सड़क पर चारों तरफ वाहन ही वाहन नजर आने लगे और बीच में वकालत की दुनिया के वो लोग जो कहीं ना कहीं पैरवी करते हैं समाज से जुड़े बिंदुओं की, इंदौर की ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने की याचिकाएं भी यही वकील लोग लगाते हैं लेकिन न जाने उनके गुस्से का पारा कौन सी हदों को पार कर गया कि उन्हें सड़क पर आने पर मजबूर होना पड़ा। जो तमाम सवाल इस पूरी घटना के पीछे खड़े होते हैं वो आखिर ये हमारी और कहीं ना कहीं ध्यान इंगित करते हैं कि आखिर ये उत्तेजना किस बात की, ये उत्तेजना और ये गुस्सा आखिर किस बात का, ये आक्रोश आखिर क्यों सब्र नहीं किया वकीलों ने, क्या कारण था कि वो इतने ज्यादा गुस्साए गुस्से में आ गए कि सड़क पर ही उतर आए। इस आक्रोश के पीछे क्या हमारी जीवन शैली जो है इसके पीछे मूल कारण है या कहीं ना कहीं हमारा खान पान इसके पीछे जिम्मेदार है, सोचने पर मजबूर कर देती है ये पूरी घटना। और वकालत करने वाले वो लोग जो कहीं ना कहीं कानून के जानकार माने जाते हैं वो कोर्ट परिसर के ठीक बाहर अगर ऐसी घटना को अंजाम देंगे तो आम नागरिक उनसे क्या सबक लेगा। बहरहाल ये हमारे इंदौर की तासीर नहीं। जी हाँ, इस घटना ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं, आखिर इस घटना के बाद क्या कुछ हुआ और शहर को कितनी सजा भुगतनी पड़ी वकीलों के इस गुस्से की, हमारे संवाददाता शार्दुल राठौर से जरा इस बानगी की कुछ अंश सुन लेते हैं। जी हाँ, छोटी सी बात को तुल देकर वकीलों ने गुरुवार शाम हाईकोर्ट के सामने चक्का जाम कर दिया। इस घटना में जहां आधा शहर परेशान हुआ वहीं एक बड़ी लापरवाही पुलिस प्रशासन की भी सामने आई है। 2 घंटे तक चले इस ड्रामे में चक्का जाम में फंसे वाहन चालकों को कई घंटों तक परेशानी भुगतना पड़ी। इस घटना ने जनमानस के मन में कई सवाल जरूर पैदा कर दिए हैं।
कानून के पक्षकार न जाने सड़क पर कौन सा केस लड़ रहे थे कि उन्हें अपने गुस्से का भी अंदाजा नहीं रहा, और शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर तो जैसे वो पूरी तरह से बेपरवाह हो गए थे। इस घटना को लेकर क्या कुछ कहते हैं वकालत की दुनिया से जुड़े लोग और कानून के जानकार, क्या लगता है इस घटना के बाद कहीं कुछ सीख लेने की जरूरत है, खुद जान लेते हैं यहाँ पर हाईकोर्ट एडवोकेट श्री CS रायकवार की सीधी जुबानी से कि क्या कुछ इस घटना के पीछे के कारण रहे, और अब जब शहर ने 4 घंटे तक ट्रैफिक अस्त व्यस्त की सजा भुगत ली है तो क्या कुछ उनकी सफाई इस पूरी घटना के बाद बनती है। मतलब आज वकील के चेंबर में कोई घुस के गुंडागर्दी कर रहा है, पुलिस उसको पकड़ के ला रही है, पकड़ के ला के बंद करने की अपेक्षा उसे छोड़ दे रही है बिना कार्रवाई करे, तो ये हमारे विरोध का मेन उद्देश्य था। इसके कारण हम लोगों को मजबूरन, क्योंकि TI इस सब घटनाक्रम के लिए जवाबदार, TI टुकुबल डांगी जिम्मेदार है, वो चाहते हैं तो हमको सड़क पे आने की जरूरत नहीं थी, वो नियमानुसार कार्रवाई करते, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, बाकी कोर्ट माननीय न्यायालय देखती उस चीज को। पर अंततः ये हुआ कि वो नहीं माने, वकीलों को नेचुरली सड़क पे आना पड़ा। सड़क पे आने के बाद हमारा उद्देश्य जनता को या किसी को ठेस पहुंचाना या जो ट्रैफिक है उसको अवरुद्ध करने का नहीं था, पर चूंकि मैंने स्वयं में SP साहब से बात, SSP साहब गुप्ता जी से बात करी मोबाइल लगा के, उनको कहा कि सर मैंने कहा यहाँ पे हालात ऐसे हैं और चूंकि TI इस बात को मानने को तैयार नहीं कि हमें कार्रवाई करना है और हमारा किसी जनता को नहीं है, तो आप कृपया यहाँ आ जाइए। उन्होंने मुझे बोला कि मैं तो राष्ट्रपति महोदय की ट्रायल में बिजी हूँ और मैं अपने SSP साहब को भेजता हूँ। SSP साहब आए, श्रीवास्तव जी आए, और इसके बाद फिर हमारे अध्यक्ष महोदय की, अध्यक्ष महोदय SSP साहब और हमारे माननीय ADMJ जो है केमकर साहब, इसके बीच में चर्चा हुई। जो चीज 1 घंटे पहले हो जाना थी अल्टीमेटली उन्होंने वही करा, तो इसके लिए वकील दोषी नहीं, इसके लिए अगर पुलिस या TI या संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उस समय अगर ये समझदारी से काम करते तो मेरा सोचना है कि इस प्रकार का घटनाक्रम जो है वो किसी भी हालत में नहीं होता। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब आपको बताते हैं आई बस सेवा का वो सच जिसके पीछे कहीं ना कहीं सियासत छुपी है। न्यूज की इस नब्ज को जब हमने पकड़ा तो बहुत सारे ऐसे पहलू सामने निकल कर आए, बहुत सारे ऐसे पहलू उजागर हो चले जो कहीं ना कहीं श्रेय की राजनीति या कहा जाए क्रेडिट की पॉलिटिक्स पर एक क्वेश्चन मार्क लगा कर गए हैं। जी हाँ, वाकई में जिस तरह से राव की जनता को इंतजार था कि कब वो आई बस के AC सफर में कहीं ना कहीं उसके सुविधा का लाभ उठा पाएंगे, लेकिन इसके बीच में सियासत का पारा इस कदर गर्म हो गया कि आई बस की ठंडा जो है कहीं ना कहीं पीछे छूट गई और राव के तमाम जनता को जो है आई बस की सफर की सुहाने सफर की यादों के बीच में कहीं ना कहीं सियासत की गर्मी को भी झेलना पड़ा। जी हां, जिस तरह से राव तक जाने वाली आई बस सुविधा के नाम पर जो कुछ सियासत हुई उसने कई तरह के सवाल खड़े कर दिए और जनता को भी मुसीबत में डालकर रख दिया। दरअसल अटल इंदौर सिटी ट्रांसपोर्ट लिमिटेड के दफ्तर में राव तक आई बस सेवा के विस्तार का शुभारंभ का मौका था। हरी झंडी के साथ शहर के प्रथम नागरिक महापौर कृष्ण मुरारी मोघे भी मौजूद थे और उनके साथ ID अध्यक्ष शंकर लालवानी भी कंधे से कंधा मिलाकर मौके पर हरी झंडी दिखाने के लिए उपस्थित थे। इसी बीच खबर आई कि कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी राव तक आने वाली बस का जोरदार स्वागत करने वाले हैं। इस खबर के आते ही जैसे कहीं ना कहीं पूरा प्रशासनिक महकमा तैयारी में लग गया कि जल्दी से जल्दी बस को यहां से रफ्तार दे दी जाए और हरी झंडी दिखाकर इस विस्तार सेवा का जो है कहीं ना कहीं शुभारंभ कर दिया जाए। लेकिन होता कुछ अलग है, मौके पर पहुंच जाते हैं कांग्रेस के विधायक जीतू पटवारी, उनके साथ निगम में नेता प्रतिपक्ष अभय वर्मा और तमाम वो कांग्रेस के पार्षद हैं जो कहीं ना कहीं जीतू पटवारी के इर्द गिर्द ही नजर आते हैं। ये पूरा नजारा जो है मीडिया के कैमरों में कैद होता है। बस में तमाम जिम्मेदार और गणमान्य नागरिक भी जाते हैं, कहीं ना कहीं सफर का लुत्फ उठाने की बारी आती है, लेकिन रास्ते में महापौर और तमाम प्रशासन से जुड़े जिम्मेदार उतर जाते हैं। उसके बाद कांग्रेसियों से भरी पूरी आई बस आगे बढ़ती है और इंदिरा प्रतिमा के आगे जाकर बस का ड्राइवर बस पर ब्रेक लगा देता है। इसी बीच हंगामा शुरू होता है और यहीं से शुरुआत होती है आई बस सेवा के नाम पर सियासत की। जी हाँ, कांग्रेसियों ने इस हंगामेदार सफर को कहीं ना कहीं रफ्तार दी, उसके बाद वो जिद पकड़ गए और टिकट लेने के नाम पर ड्राइवर पर दबाव बनाने लगे। ड्राइवर भी असहज था, अपनी ड्यूटी का पालन करना था, लिहाजा उसने प्रशासनिक अधिकारी से हामी लेने के बाद बस को और आगे बढ़ाया और BRTS ट्रैक पर होते हुए ये बस राजीव गांधी चौराहे पर पहुंची। यहां पर फिर सियासत के पारे ने गर्मी पकड़ी और पूरा का पूरा जो नजारा है वो सियासत की भेंट चढ़ गया।
विधायक जी को मनवार करने के लिए, उन्हें मनाने के लिए मौके पर दो दो एसडीएम पहुंच जाते हैं, क्षेत्र के सीएसपी भी पहुंच जाते हैं, लेकिन विधायक कहां मानने वाले थे। इस पूरी घटना को लेकर क्या कुछ देखा सिटी न्यूज की एडिटोरियल टीम ने और क्या कुछ मीडिया के एंगल से निकल कर आया, इसकी वानगी जरा सुन लेते हैं सिटी न्यूज संवाददाता पीयूष पारे से और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्यों इतनी ज्यादा श्रेय की सियासत हावी हो चली इस आई बस सेवा की शुरुआत पर। जी हाँ बिल्कुल, अगर राव की बात की जाए तो इस वक्त आई बस को लेकर सियासत का पारा गर्म है और यात्रियों को जिस तरह से इस बस की सेवा का शुरुआत की इंतजार था वो इंतजार भी आज इंतजार बना हुआ है। और दूसरी ओर आई बस को लेकर सियासत दोनों तरफ से गर्म है। भाजपा के पूर्व विधायक जीतू जिराती भी इस मामले को लेकर श्रेय लेने के होड़ में लगे हुए हैं, तो वही जीतू पटवारी कांग्रेस विधायक की बात करें तो वे भी कहीं ना कहीं इस मसले पर टस से मस नहीं हो रहे हैं। तो ऐसे तमाम अब सियासी पारा गर्म है और कांग्रेस और भाजपा में भी अब एक नया विवाद का जन्म हो गया है। और अगर बात की जाए दोनों जीतू की तो दोनों जीतू एक बार फिर से आमने सामने हैं और आई बस का यह सफर अब तक हंगामेदार बना हुआ है। सियासत का ये सफर यही नहीं थमता है बल्कि ये सियासत का सफर राजीव गांधी चौराहे से आई बस में ही जिला जेल तक पहुंच जाता है। जी हाँ, जिस आई बस को राऊ तक जाना था, जिस आई बस का इंतजार राऊ की जनता कर रही थी, वो आई बस राऊ क्षेत्र में ना जाते हुए सीधे जिला जेल चली गई और पूरी की पूरी बस में कांग्रेस के वो तमाम बड़े चेहरे, वो तमाम बड़े नेता मौजूद थे बतौर यात्री जो कहीं ना कहीं राऊ तक बस को ले जाने पर अड़े हुए थे, लेकिन उन्हें भी पुलिस की सख्ती का जो है यहाँ पर सामना करना पड़ा और तमाम कांग्रेस नेताओं को, तकरीबन 88 कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ इन नेताओं को जिला जेल में बंद कर दिया गया। उसके बाद बारी आती है जमानत लेने की, लेकिन कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी कहां मानने वाले थे, अपने अड़ीबाजी के स्वभाव के चलते उन्होंने जिला जेल में भी हंगामा खड़ा कर दिया और जमानत लेने के बजाय सीधे तौर पर प्रशासन को कटघरे में खड़ा कर दिया। बहरहाल यहां पर प्रशासन का कटघरे में खड़ा होना भी लाजमी था, क्योंकि जब जिला कलेक्टर आकाश त्रिपाठी को इस बात की जानकारी थी कि कांग्रेस के विधायक को पूरा का पूरा क्रेडिट जाता है अगर इस बस सेवा का विस्तार उनके रहते शुरू होता है, तो कहीं ना कहीं इसके पीछे सियासत भी होनी थी। लिहाजा पूर्व विधायक जीतू जिराती और वर्तमान विधायक जीतू पटवारी के बीच में कहीं ना कहीं पूरा का पूरा प्रशासन जो है असहज नजर आया और इस प्रशासन को भी कटघरे में खड़ा कर दिया इस पूरी घटना ने। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ हुआ जिला जेल में, किस तरह से कांग्रेसियों ने सियासत का पारा गरमाया और कैसे ये कांग्रेसियों की जो नाराजगी थी वो सीधे तौर पर राऊ की जनता को खामियाजा भुगतने पर मजबूर कर गई, यहाँ पर फिर एक बार वानगी जानते हैं और पूरी घटना के पीछे कैसे प्रशासन भी आर पार के मूड में आ गया और क्यों कलेक्टर ने कह दिया कि भाई डेमोक्रेसी है, अगर विधायक जी राष्ट्रपति से इस बात की शिकायत करना चाहें तो कर सकते हैं, हालांकि वो समझदार जरूर हैं। जरा सुनते हैं सीधे कलेक्टर आकाश त्रिपाठी के श्रीमुख से कि क्या कुछ है प्रशासन का मूड। करना चाहूँगा, उनके जो आरोप हैं बिल्कुल ही गलत हैं। श्रेय की राजनीति की गलत तरीके से लेने का जो प्रयास है, ये ICTCL कंपनी के बोर्ड के द्वारा कम से कम 6-8 महीने पहले ये डिसाइड किया गया था कि राऊ तक हम लोग बस एक्सटेंड करेंगे और उधर मांगलिया तक करेंगे, उसी पॉलिसी के तहत इसको एक्सटेंड किया गया है। कल उसका सिम्बॉलिक शुभारंभ था, कल हमने कोई कमर्शियल ऑपरेशंस नहीं किए, ना किसी यात्रियों को किसी भी बस स्टॉप में हमने ना तो इन्वाइट किया, ना किसी में भी उनको टिकट दिया राऊ के लिए। उन्होंने उसको एक तरह से हाईजैक करके केवल ये श्रेय की राजनीति लेने के लिए कि बस लेके वहाँ पहुँचे और लोगों को ये बताया कि उन्होंने बस चालू करवा दी, जबकि जो कंपनी पॉलिसी के तहत एक सरकारी कंपनी उसने एक बस चालू की है, उसमें तो श्रेय की राजनीति के चक्कर में बस को हाईजैक करना हम लोग अलाउ नहीं कर सकते, उसके लिए थाने में प्रकरण भी दर्ज कराया है और चूंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा उस समय लॉ ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट की तो उसने उनको अरेस्ट भी किया। उस समय बस में मौजूद था, उन्होंने एक तरह से एक जो हंसी मजाक की उसमें उन्होंने वहाँ पे जो हम लोग बस में टिकट काटते ही नहीं, पहली बात आप लोगों को पता होगा आई बस का जो पॉलिसी है उसमें टिकट काउंटर जो होता है बस स्टेशन पर होता है, आप सभी लोग उसमें जा चुके हैं, वहाँ पे टिकट काटने का प्रथा ही नहीं। उन्होंने एक 500 का नोट निकाला और एक तरह से खुशी का जैसे आदमी कई बार होता उस टाइप का निकाल के आप टिकट काटो इस टाइप की बातें, उसमें इस प्रकार कोई भी फॉर्मल टिकटिंग का प्रोसीजर चालू ही नहीं होता, कोई कमर्शियल ऑपरेशन चालू। अब वो जो भी उन्होंने करके रखा हो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि हमको तो ये भी नहीं पता था कि वो वहाँ पे आने वाले हैं, ये भी चीज़ हमको उस समय एज ए सरप्राइज मिला क्योंकि हम लोगों ने तो एक सिम्बॉलिक हरी झंडी बस निकाले का वहाँ पर रखा था और वो वहाँ पर आ गए पहले, जबकि उन्होंने जो CEO है उनसे ये बात की हुई थी कि शायद वो राऊ में उसका स्वागत करेंगे जब राऊ में जब भी आएगी, तो हमने उनको यही बोला था जब भी कमर्शियल रन होकर राऊ आएगी आप निश्चित रूप से स्वागत करें, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन अब वो उन्होंने किस पॉलिसी के तहत किया ये मुझे नहीं पता। नहीं देखिए वो तो अगर वो मैं समझता हूँ उनको भी थोड़ी इतनी संजीदगी और संवेदना वो कहूँगा समझदारी होनी चाहिए कि ये इशू इतने लेवल का ऐसा कुछ है नहीं, उसके बाद भी वहाँ पे स्वागत वाली सूची में विधायक होने के नाते वहाँ पे शामिल है वो, अगर वहाँ पे मिलकर वो कोई बात करना चाहेंगे तो स्वतंत्र है, डेमोक्रेसी।
कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी के तेवर कम होने का नाम नहीं ले रहे थे और पूर्व विधायक जीतू जिराती भी कहीं ना कहीं श्रेय लेने की राजनीति में कूद पड़े थे। ऐसे में प्रशासन के मुखिया का यह बयान भी लाजमी है क्योंकि उनकी सख्ती के बिना ये दोनों कहीं मानने वाले नहीं थे, क्योंकि राव की सियासत का पारा अगर कहीं गर्माता है तो वो दोनों ही जीतू के आमने सामने होने से गर्माता है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और जरा यहाँ पर एक बार फिर हमारे संवाददाता पीयूष पारे से भी सुन लेते हैं कि प्रशासन की कहाँ कोई चूक रही, किस तरह से SDM संदीप सोनी को भी यहाँ मर मौके पर आकर सूझबूझ दिखाने की जरूरत थी लेकिन वो भी पूरी तरह से नाकाम साबित हुए। AICTSL के CEO की कुर्सी पर विराजमान संदीप सोनी को कहीं इस बात की भनक भी नहीं लगी और जिस तरह से कांग्रेसी लगातार उन पर आरोपों की बरसात लगा रहे थे, क्यों वो अपनी सफाई पेश नहीं कर पाए, क्यों आखिर वो नेताओं को मना नहीं पाए और क्या कारण थी कि बिना परमिट उन्होंने सफर को रफ्तार दे दी। अगर ये सिंबॉलिक ट्रायल रन था तो क्या वजह रही कि कमर्शियल रन के लिए वो तमाम जो है सूचनाएं फैला रहे थे, क्या लगता है? सीधे तौर पर यहां पर एक बार फिर जानते हैं सिटी न्यूज संवाददाता पीयूष पारे की वानगी कि किस तरह से प्रशासन भी कहीं ना कहीं इस पूरी घटना के बाद सवालों के घेरे में है। जी बिल्कुल, अगर बात करें कांग्रेसियों के हंगामेदार सफर की तो दूसरी और प्रशासनिक अधिकारियों के प्रयास भी नाकाम नजर आए। कांग्रेसियों ने जिस तरह से बस में अधिकारियों के साथ टूटी मम्मी की और अधिकारी भी इस पूरे मसले पर बैकफुट पर नजर आए। बस की परमिट की बात की जाए या दूसरे कई और भी मसलों की बात की जाए, कांग्रेस ने जो सवाल उठाए थे उन सवालों का जवाब कहीं ना कहीं अधिकारियों के पास नहीं था और आखिरकार अधिकारियों को भी कांग्रेस की गिरफ्तारी का फैसला लेना पड़ा और जिस तरह से जेल के बाहर का जो नजारा था वो भी कहीं ना कहीं हंगामेदार रहा और उसके बाद प्रशासनिक स्तर पर और प्रशासनिक कार्यशैली पर भी सवाल उठने लगे कि आखिरकार जब परमिट नहीं था उसके बाद में बस को हरी झंडी क्यों दिखाई गई। तो ऐसे की तमाम सवाल है जो जिन पर प्रशासन भी कटघरे में खड़ा है और कांग्रेस ने उन सभी मामलों और उन सभी मसलों पर प्रशासन को भी कटघरे में खड़े करने के प्रयास किए। जी पीयूष, लगता है कि यहाँ पर कुल मिलाकर इस पूरी घटना ने राव की ऑडियंस को या कहा जाए राव की जनता को एक ऐसी सियासत की फिल्म दिखा दी जिसमें बस का सफर भी था, जेल तक जाने की यानी कि सलाखों तक पहुंचने की वानगी भी थी और प्रशासन की सख्ती का आलम भी था। पूरी तरह से पॉलिटिकल ड्रामे के तौर पर यह पूरा इंसिडेंट जनता के सामने है। जनता जरूर यहां पर सबक सिखाने वाली है, जनता जरूर सजा देने वाली है। बहरहाल देखना होगा गलती विधायक की थी, पूर्व विधायक की थी या प्रशासनिक सामंजस्य की कहीं ना कहीं कमी थी। आगे बढ़ते हैं और राव की सियासत का पारा गरमाने वाले दोनों ही जीतू की बात जरा सुन लेते हैं। क्या कहना है वर्तमान विधायक जीतू पटवारी का और क्या कहना है पूर्व विधायक जीतू जिराती का, क्योंकि दोनों के वर्डिक्ट यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में है। जिस तरह से जीतू पटवारी इस बात पर अड़े थे कि अगर राव तक बस को जाना था तो क्यों नहीं गई, जनता को इस सुविधा का लाभ मिलना था और उनके मौजूदगी में मिलना था, क्या यह श्रेय की राजनीति है? और जीतू जिराती जो कि बस की पूजा करने पहुंच जाते हैं उनका क्या कहना था, क्या वो इस पूरी घटना को लेकर कोई नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, क्यों आखिर वो भी श्रेय की राजनीति में कूद पड़े? जरा सुनते हैं दोनों ही जीतू की ये सीधी वानगी। कार्यकर्ता होता है, पूरी तरह से इसकी मेहनत हमने की, प्रशासन ने काम किया, माननीय महापौर जी ने सौगात इंदौर के दी, मैंने लगातार प्रयास किया। ये कांग्रेस की कुंठित मानसिकता है कि बस के अंदर अगर बैठे तो झंडे को लहराते हुए बैठे हुए तो ये कार्यकर्ता है, अगर वो इस तरह की हरकत करेंगे तो ये कार्यकर्ता है। ये प्रतीकात्मक रूप से, क्योंकि जनता इस बात को देखती कि काम किसने किया, जुम्मे 6 महीने जिन लोगों को आए हुए नहीं हुआ वो लोग अगर इस तरह से काम करेंगे तो कार्यकर्ता तो अपना काम करेंगे। मैं कोई पाकिस्तान से आया हुआ व्यक्ति नहीं हूँ। मैंने इस बस के प्रयास के लिए कलेक्टर साहब उनके आत्मा से पूछा कि उनसे कितनी बार मिला हूँ। वो संदीप सोनी जी हैं, उनसे उनके भगवान उनके बच्चे, कभी थोड़ी बहुत ईमान हो उनमें तो मैं उनसे अगर 500 फोन कॉल पिछले 2 महीने में मैंने बात नहीं की उस संदर्भ में तो मेरे से बड़ा झूठा नहीं हो सकता। बस को आप हरी झंडी देते हो, मिठाई खिलाते हो, वर्जन देते हो TV पे कि राव तक चली, रस में टिकट कटवाते हैं, यहाँ से बस चल देती है और बस को फिर रुकवाते हो, ये क्रेडिट का सवाल है, आप क्रेडिट लेना चाहते हो? आई बस भी बेबस है सियासत के आगे, क्योंकि प्रशासन की चूक भी लाजमी है, प्रशासन की चूक भी जनता को दिख रही है और कहीं ना कहीं पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक यानी दोनों ही जीतू की श्रेय की सियासत भी साफ तौर पर नजर आ रही है। देखना होगा कि जनता किसे अपना नेता मानती है और जनता क्या वाकई में इस आई बस सेवा की शुरुआत का सीधा श्रेय AICTSL के उस बोर्ड को देती है जो कि दोनों ही विधायक से परे या कहा जाए दोनों ही नेताओं से परे, एक पूर्व विधायक एक वर्तमान विधायक दोनों से ही परे 4 महीने पहले ही राव तक आई बस को दौड़ाने की जो है फैसला ले चुकी थी, हरी झंडी दिखा चुकी थी। हालांकि इसको श्रेय के तौर पर भी देखा जाना था, इसमें इसलिए ये लाजमी था कि वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक
दोनों कूद पड़े। लेकिन इसका फैसला तो AICTSL के दफ्तर में 4 महीने पहले ही हो चुका था कि आई बस को अब BRTS ट्रैक से जरा आगे बढ़ाकर राऊ तक ले जाएंगे, ताकि राऊ की जनता को भी सुहाने सफर की कहीं ना कहीं सुविधा का लाभ उठाने का मौका जिला प्रशासन की ओर से मिल पड़े। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और इस सियासत के सफर को हम बस से अब जरा उस एम्बेसडर कार तक ले जाते हैं जो कि प्रदेश की शिवराज सरकार में तमाम मंत्री अपने इस्तेमाल में लाते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री कैबिनेट मंत्री पारस जैन की, जिनकी लाल बत्ती लगी एम्बेसडर कार पिछले दिनों इंदौर के सेंट्रल जेल पहुंची तो हड़कंप सा मच गया। मीडिया के कैमरों को भी खबर लगी और इसी कैमरों की भीड़ में सिटी न्यूज का कैमरा भी सेंट्रल जेल के परिसर में मौजूद था। जी हाँ बिल्कुल, मीडिया के कैमरों यानी कहा जाए कि सीधे तौर पर सिटी न्यूज के कैमरे में ये दृश्य जब कैद हुए तो कई तरह के सवाल अपने आप उत्पन्न हो गए। हालांकि इन सवालों की क्या है सर्जरी, क्यों आखिर कैबिनेट मंत्री पारस जैन के बेटे संदेश किन से मिलने के लिए, किस कैदी से उनकी मुलाकात होनी थी कि वो सेंट्रल जेल पहुंचे थे, और सेंट्रल जेल भी पहुंचे तो सरकारी गाड़ी में, मंत्री जी की लाल बत्ती लगी गाड़ी में जब वो पहुंचे और जैसे ही मीडिया का कैमरा गाड़ी के ड्राइवर के नजदीक गया तो उसने इस बात की जरूर तस्दीक कर दी कि ये गाड़ी प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्कूली शिक्षा मंत्री पारस जैन की है और इस गाड़ी में सवार होकर उनका बेटा संदेश यहां पर मुलाकात के लिए आया है। लेकिन जेल प्रशासन ने इस पूरे मामले में कोई सफाई पेश नहीं की कि आखिर संदेश किस कैदी से मिलने आया था। सवाल ये भी खड़ा होता है कि व्यापम, जी हाँ बिल्कुल, PMT फर्जीवाड़े में कहीं ना कहीं आरोपी बनाए गए डॉक्टर विनोद भंडारी भी इसी सेंट्रल जेल की सलाखों के पीछे कैद हैं। साथ ही साथ एक खाद्य मिलावट के मामले में एक बड़ा आरोपी भी इसी सेंट्रल जेल में कहीं ना कहीं सलाखों के पीछे सजा काट रहा है। और गौरतलब रहे कि पिछली शिवराज सरकार में यही पारस जैन खाद्य राज्य मंत्री की भूमिका में भी थे, यानी कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो कि संदेश की किसी कैदी से मुलाकात के बाद विवाद के तौर पर सामने आ रहे हैं। बहरहाल देखना होगा कि जेल प्रशासन इस पूरे मामले में अब क्या संजीदगी दिखाता है, क्योंकि विपक्ष ने भी इसे लगे हाथ जो है इस मौके पर चौका लगा दिया है। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी है। कहा जाए जिस तरह से जेल परिसर में लाल बत्ती की गाड़ी का पहुंचना, मंत्री पुत्र का किसी कैदी से गुपचुप मुलाकात करना, इस पूरे मसले पर सियासत का सवाल खड़ा कर दिया है। प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा ने इस पूरे मामले में एक शिकायत STF को दर्ज कराई, जिसके बाद 3 जिम्मेदारों को यहां पर नोटिस जारी किए गए हैं। आपको बता दें यहां पर सेंट्रल जेल के जेलर, डिप्टी जेलर और एक प्रहरी को नोटिस जारी कर कारण बताओ साफ तौर पर उनकी सफाई पेश करने का कहीं ना कहीं हवाला दिया गया है। हम खुद इस शिकायत की सर्जरी करें, न्यूज की नब्ज टटोले, जरा उससे पहले प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता की बात सुन लेते हैं कि आखिर क्यों वो नाराज हुए, कैसे उन्हें जानकारी मिली और कैसे उन्होंने STF तक ये बड़ी शिकायत पहुंचाई। जेल के प्रहरी ने, जेल के सहायक अधीक्षक ने उनको VIP सुविधा देते हुए सीधे जेल के मेन गेट से अंदर प्रवेश दिया। उनके हाथ में एक बैग भी था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उसके अंदर कुछ दस्तावेज भी हैं। उस सब के साथ बगैर जांच के उन्हें VIP सुविधा देते हुए तत्काल अंदर प्रवेश दिया गया। बड़ी देर तक एक कोई VIP मुलाकात, विशेष मुलाकात हुई, उसके बाद वो बड़ी शान से बाहर आए और गाड़ी में बैठकर चल दिए। वहाँ जेल के बाहर जो उनकी गाड़ी खड़ी थी, उसके ड्राइवर ने भी पुष्टि करी कि ये गाड़ी मदरसा बोर्ड के सचिव के नाम रजिस्टर्ड है, लेकिन ये गाड़ी मंत्री पारस जैन जी की, उनकी प्लेट भी अंदर लगी हुई थी और मिलने वाला शख्स मंत्री का पुत्र संदेश जैन था। जब सारे मामले की हमें जानकारी लगी तो हमने तत्काल उसके ऊपर एक्शन लिया और हमने शिकायतें की और हमने कल पूरा मामला STF को भी सौंपा। STF से हमने मांग करी कि इस पूरे मामले की जांच की जाए, क्योंकि जिस समय मंत्री के पुत्र ने जेल में प्रवेश किया, मुलाकात करी, उस समय उसी जेल के अंदर PPG घोटाले के आरोपी, व्यापम घोटाले के आरोपी डॉक्टर विनोद भंडारी भी बंद थे। ऐसे में उसी समय प्रदेश के शिक्षा मंत्री का आके मुलाकात करना, और जिस तरह से उन्होंने मुलाकात करी, उन्होंने मुलाकातियों की लिस्ट के अंदर अपना नाम, जबकि उनका नाम संदेश जैन और संदेश नल्लेरे करके नाम लिखाया, सरनेम गलत लिखाया, यह सबसे बड़े संदेह को जन्म दे रहा है। और शिक्षा मंत्री के पुत्र है, व्यापम घोटाले के आरोपी बंदे, तो कहीं ना कहीं एक संदेह की ओर इशारा जा रहा है। तो हमने सारे मामले की स्टेप को शिकायत करी। दूसरा सबसे बड़ा इसमें आश्चर्यजनक तथ्य कि जेल अधीक्षक ने बयान दिया मीडिया को कि मिलने वाले शख्स को मैं नहीं जानती हूँ, मुझे दोपहर बाद पता चला कि ये मंत्री का पुत्र है। जब वो मंत्री का पुत्र है, उससे वो अनजान थी, तो जेल प्रशासन ने किस हिसाब से उन्हें VIP सुविधा देते हुए गाड़ी से लेके अंदर प्रवेश दिलाया जब उनको जानकारी नहीं थी कौन है, तो कहीं ना कहीं कोई दाल में काला नजर आ रहा है। चलिए, इस गोपनीय मुलाकात के बाद सफाई जरूर कहीं ना कहीं सामने आना थी, ये लाजमी थी, लेकिन सफाई ना तो जेल प्रशासन ने दी और ना ही मंत्री जी की तरफ से कोई प्रतिनिधि उनका सामने आया कि मीडिया में चल रही खबरों को लेकर वो कोई पटाक्षेप कर सके। बहरहाल सवाल अब भी बरकरार है और समाज इस पूरी घटना को भी देख रहा है। आखिर वो कौन सा ऐसा कैदी था जिससे मिलने के लिए मंत्री पुत्र को इंदौर तक आना पड़ा और वो भी लाल बत्ती में आए, ताकि रसूख और रुतबा दोनों बरकरार रहे। बहरहाल न्यूज की नब्ज टटोलने का ये क्रम लगातार सिटी न्यूज पर इसी तरह जारी रहेगा और न्यूज ऑपरेशन रूम
में हम हर हफ्ते हर तरह की घटनाओं की सर्जरी करेंगे और क्या कुछ है पर्दे के पीछे का सच वो सीधे उजागर करेंगे। सच को बेपर्दा करने की सिटी एडिटोरियल टीम की ये कोशिश उम्मीद है कि दर्शकों को पसंद आएगी और जिस तरह से तमाम समाज में होने वाली घटनाओं की हम सर्जरी करने वाले हैं उससे कहीं ना कहीं क्या कुछ है जनता के पक्ष में, क्या कुछ है समाज से सरोकार से जुड़ी बात, वो हम आप तक पहुंचाने में कामयाब रहेंगे। ऐसी उम्मीदें हमें भी हैं और सिटी न्यूज़ की एडिटोरियल टीम को भी है। सिटी न्यूज़ की खास पेशकश न्यूज़ ऑपरेशन में फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर मुलाकात करेंगे समाज में होने वाली कई घटनाओं के साथ और घटनाओं की सर्जरी के साथ हम आपको बताएंगे कि क्या कुछ है समाज का सच। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। Thank you.